साथियों के अनुसार स्वागत करें। ये वो घड़ी है जो वर्षों कई दिनों बाद आपकी पावन धारा में ऐसे गणमान्य अतिथियों का चरण स्पर्श हुई है। बारी बारी से खिलाड़ियों से मिलते हुए हमारे मुख्य अतिथियों एक दूसरे का हाव भाव परिचय जानते हुए ये घड़ी और ये पल हर कोई अपने नैनों में बसा के एक सपनों सजाए हुए अपने अपने घर को जाने को बेकार है बेकरार है। मैं युवा साथियों द्वारा संचालित फुटबॉल प्रतियोगिता हमारी समिति के जितना भी पदाधिकारी हैं उनसे विनम्र आग्रह रहेगी जितना भी हमारे युवा समिति के कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्य हैं उनसे विनम्र के सामने अपना उपस्थिति देंगे। धन्यवाद। युवा यथाशीघ्र आके अपना उपस्थिति यहाँ पास देंगे। आप सभी जानते हैं कि इस प्रतियोगिता 6 दिवसीय संचालित थी। हमारे दुख सुख के साथी और हर घड़ी हम सबकी साथ देने वाले जसपुर विधायक महोदया रायमुनी भगत जी अपनी बहुमूल्य समय निकाल के हम सभी के समक्ष उपस्थित हैं। तो ये वो क्षण है जिसे हम मैं हमारे इस मंच विराजमान है इस प्रतियोगिता के आयोजक कार्यकारिणी हम तो हमारे ग्राम पंचायत बरगांव के माताएं हमारे मुख्य अतिथियों के स्वागत के लिए उपस्थित हैं। पुष्प गुच्छ से सौभाग्य की ओर घड़ी है बड़ी ही गौरव की बात है। Ha 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 ha!
नेताओं से आग्रह करूंगा कि बारी बारी से जितना भी हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं उनके पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत करेंगे। माताओं से आग्रह रहेगी कि बारी बारी से पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। और जितना भी दर्शक उपस्थित हैं इस खेल मैदान में उनसे भी थोड़ी सी आग्रह रहेगी, विनती रहेगी कि हमारे मुख्य अतिथियों के स्वागत की घड़ी में तालियों के द्वारा सहयोग प्रदान करें और तालियां बजाएं। धन्यवाद। आप सबकी हम सबकी सहयोग। भगत जी हमारे इस मंच पे उपस्थित विराजमान, जो कि अपना बहुमूल्य समय ग्राम पंचायत की माताओं पिताओं युवा साथियों को समर्पण कर रहे हैं। हेलो, माताओं से आग्रह रही कि अपना जगह ले लेंगे और इस मैच का आनंद ले कि और कुछ करके नहीं। स्वागत गाना है माताओं से भी आग्रह करूंगा कि आप भेंट मुलाकात हो गई तो इस फुटबॉल फाइनल का आनंद लें, अपने स्थान लेके। तो मैं हमारे समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष अजय सिंह एवं कमलेश्वर सिंह अमरनाथ सिंह जी
से आग्रह करूंगा कि आके हमारे मुख्य अतिथि माननीय रायमोनी भगत महोदया जी से मिलेंगे। हमारे बड़े भैया ललिंदर राम जी से भी आग्रह है कि आके यहाँ पास थोड़ा सा समय महेश्वर हमारे मुख्य अतिथियों से सहयोग राशि प्राप्त कर मुख्य अतिथियों से हमारे समिति के यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रायमुनी भगत जी से सहयोग राशि वंदन करता हूँ। बोलिए एक बार भारत माता की, भारत माता की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, रायमुनी भगत की, रायमुनी भगत की, नरेंद्र मोदी की। धन्यवाद। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, स्वतंत्र दिवस, अमर रहे स्वतंत्र दिवस, अमर रहे अमर रहे भारत माता की, भारत माता की, जय जुबेव। समिति को सहयोग राशि भी प्राप्त किया गया। नहीं सका नहीं। देवी जलगांव के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, जो भी खिलाड़ी पहला गोल मारते हैं तो हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि हैं मंच पर उपस्थित, उन्हें भी बड़गांव के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मैदान में एक ऐतिहासिक फुटबॉल मैच का प्रतियोगिता लगभग 5-6 दिनों से यहाँ अनवरत या लगातार चलती हुई यह मैच, और यह मैच जो है पंचायत स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता ग्राम बड़गांव स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैच के समापन के मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक श्रद्धेय श्री रामुनी भगत जी, जिला पंचायत सदस्य सभापति सम्माननीय श्री लालदोराम भगत जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रजनी जी, हमारे उपस्थित मैदान चारों तरफ से दर्शकों से भरा हुआ खचाखच, इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर मानो कि आम का पेड़, महुआ का पेड़ और यहाँ गम्हार का पेड़ भी यहाँ पर ललित होते हुए, और यह दड़गांव वर्सेस पाड़ूल के बीच में मैच चल करेगा। कमलेश कुमार से राजू कुमार, कमल राम, भरत से संजीव कुमार, वीरेंद्र से संदीप, अरुण, विरोचन, वीरेंद्र से मुकेश, सुधीर, सुप्रसाद, इस मैच को 10 तारीख 10 अगस्त लगभग अनवरत या लगातार यहां पर प्रारंभ किया गया है, और यहां समापन मैच की ओर से मैच का आयोजन पोस्टर मिला बिल्कुल गुस्सा किया और बहुत सुंदर तरीका सब साथियों को प्रयास देने का प्रयास लगातार
अबे पारी क्षमा चाहिए है दिया जाएगा दीपक है इस प्रकार से मार रहा है भाई गोल और यहां पर सुंदर किक करके पंजा का साला है प्रधान जी वर्तमान पीटी की आशीष माधव अच्छा ने बिठाया समय आ रहा है पामे दीपक समिति का निर्णय है अरे बचा रहे लड़के लोग चस्पा के साथ नहीं लगा सकते।